गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो पिछले वीडियो हमने आपको बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव ज्ञात करने के फार्मूले का डेरिवेशन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करने की तीन स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति माने क्या होता है, समांतर, किसी भी बिंदु के समांतर अर्थात द्विध्रुव के समांतर। जैसे ये ए बी हमारा एक द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। तो ध्यान देना, तो जो ये आपका ये बिंदु होगा, इसकी जीरो अंश के कोण पर या 180 अंश के कोण पर जाने वाली जो रेखा होगी वही इसकी अक्षीय स्थिति होगी। तो अक्षीय स्थिति माने समांतर। और उसके बाद दूसरा कह रहा है आपका वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विभव। निरक्षीय स्थिति में साहब क्या होता होगी, अर्थात 90 अंश कोण अर्थात लंबवत रेखा पर, सीधी रेखा पर, इसी की सीधी रेखा पर, और दूसरा लंबवत रेखा पर उत्पन्न विभव अर्थात 90 अंश के कोण पर। और तीसरा जो कहा है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव, माने एक द्विध्रुव रहेगा, मान लेते हैं ए बी हमारा एक द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। अब यहां पर मान लेते हैं इसका ओ बिंदु मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु से इस दिशा में माने केवल इस अक्ष पर ना हो और ना तो इस अक्ष पर हो, जीरो से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, इन दोनों कंडीशन में किसी भी बिंदु पर रखने से जो विभव प्राप्त होगा वो जो होगा वैद्युत द्विध्रुव कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विभव होगा। तो तीनों टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तीनों टॉपिक में से पहला जो हम आपको आज पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विभव। तो आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विभव। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो समान किंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2L होती है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा माइनस क्यू आवेश है और ये हमारा प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो हमने मान लिया 2L है, कि ये मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश ए बिंदु पर रखा है और प्लस क्यू आवेश जो रखा गया है वो बी बिंदु पर रखा गया है। तो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2L है, अर्थात विपरीत और विपरीत किंतु समान आवेशों से मिलकर जो द्विध्रुव बनता है वह द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव होता है। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं। अगर ए बी का मध्य बिंदु हम लोग ओ ले, ए बी का मध्य बिंदु अगर हम लोग ओ ले, तो ए से लेकर ओ तक के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो यल होगा, ओ से लेकर बी तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी आपका यल होगा। अब ध्यान दीजिए, इस ओ से आर दूरी पर, इस ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इस ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इसी पी बिंदु पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस ओ से पी तक के जो बीच का डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि ओ से लेकर पी तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। ओ से लेकर पी तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे अब थोड़ा सा ये कहें आपको कि अब आपको थोड़ा सा लिखना क्या पड़ेगा कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। जिसके बीच की
अल्पतम दूरी टू एल है, कामा ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु ओ है, इसी ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। एक बार देख लेते हैं चित्र में, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी हमारा क्या है वैद्युत द्विध्रुव है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर क्या है बना है, जिसके बीच की अल्पतम दूरी कितना है 2L है, ए से लेकर बी के बीच की दूरी कितना है 2L है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है ओ है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है ओ है, इसी ओ से आर दूरी पर, इसी ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आप चलो ध्यान देते हैं, हम लोग शुरुआत क्या करते हैं, आप चलो ध्यान दो, अगर हम लोग ये थोड़ा समझें कि अगर हमको ए से लेके पी तक का बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो अगर यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में ए पी बराबर हम लोग लिखें ए से लेकर पी तक, तो ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस निकालने के लिए हमको एओ और प्लस क्या बोल दिया ओपी, तो ध्यान दीजिएगा एओ और प्लस ओपी, अच्छा ओपी क्यों ना, क्योंकि इसी बिंदु से हमको विभव ज्ञात करना है, तो ध्यान दे दिया, तो एओ का मान कितना देखिए ए से लेकर ओ तक का जो मान है वो कितना है एल है, और उसके बाद ओ से लेकर पी तक का जो मान है वो कितना है आर है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस एल या एल प्लस आर, लिखो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी प्रकार हम लोग किसका मान निकाल लेते हैं, इसी प्रकार हम लोग मान निकालते हैं जहां से आवेश रखा, जिससे ए पर आवेश रखा गया था तो ए से दूरी निकाले, अब कहां पर आवेश रखा गया है बी पर, तो हम लोग कहां से आवेश निकालेंगे, कहां से दूरी निकालेंगे बी से, तो हम लोग लिखेंगे बीपी बराबर लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा बीपी का मान तो पता है ना यहां से लेकर, लेकिन अगर इतने मान में से इतना मान हटा दें, माने ओ से लेकर पी तक के मान में से ओबी का मान हटा दें, तो बीपी का मान निकल आएगा, तो आप लोग क्या लिखोगे ओपी माइनस ओबी, तो ओपी का मान कितना है ओ से लेकर पी तक का मान कितना है आर है, माइनस ओ से लेकर बी तक का मान कितना है एल है, तो जो हमारे पास मान आया सॉरी प्लस यहां पर लेकर, तो आर माइनस एल, अब ध्यान दीजिएगा, तो अब अगला जो पॉइंट होगा हमारा, पहले हम लोग क्या लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न विभव, उत्पन्न विभव इसको हम लोग मान लेते हैं V1, क्योंकि अभी B से निकालेंगे फिर क्या निकालेंगे A से निकालेंगे, दोनों को ऐड करने से जो आएगा वो माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों का उत्पन्न विभव हो जाएगा, पहले हम लोग किसका निकालेंगे प्लस क्यू कारण, तो V1 बराबर सूत्र आपको बताया था 1/4π epsilon r * क्या बताया था q upon r, तो r का मान हम लोग क्या रखेंगे प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं, तो मान क्या रखा जाएगा r माइनस एल, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न विभव, ध्यान दीजिएगा, तो सूत्र क्या बनेगा आपकी बात V2 बराबर 1/4π ε0 * क्यू का मान क्या रखा जाएगा आपकी बात माइनस क्यू होल अपान जो दूरी का मान रखा जाएगा यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमें क्या निकाला है r + l, इक्वेशन नंबर 2। अब चलेंगे हम लोग
अगर हम V1 और V2 को जोड़ दें, V1 और V2 को जोड़ दें, जो मान आएगा वो भाई एक बार प्लस क्यू ने उत्पन्न किया, एक बार किसने उत्पन्न किया, माइनस क्यू ने, तो अर्थात दोनों को जब दोनों का जो योग आएगा वो किसके बराबर होगा, वी के बराबर। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, पी बिंदु पर P बिंदु पर उत्पन्न परिणामी विभव, अर्थात V बराबर V1 प्लस V2, तो V बराबर V1 का मान हम लोग क्या निकाले थे, 1/4πε0Q/r-a, उसके बाद प्लस V2 का मान हम लोग क्या निकाले थे, 1/4πε0Q/r+l। अब ध्यान दीजिएगा, 1/4πε0 इसमें, 1/4πε0 इसमें, क्यू इसमें और क्यू इसमें, तो हम लोग कॉमन लेंगे, V बराबर Q/4πε0 इंटू हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर 1 बचेगा, ये कॉमन चुका, यहां पर क्या बचेगा, 1/r-l, यहां प्लस और यहां माइनस, प्लस माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, क्यू कॉमन चुका तो क्या बचेगा, 1/r+l। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग चलते हैं आगे, V बराबर Q/4πε0 इंटू, अब जब हम इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, r-l और r+l का लघुत्तम लेंगे, तो जो लघुत्तम आएगा वो r-l अब इंटू कितना आएगा, r+l। अब ध्यान दीजिएगा, जब r-l से भाग देंगे तो r-l कैसे क्या बचेगा, r+l। अब हमारे पास क्या बचेगा, माइनस को माइनस लगा देंगे, जब इससे बाहर देंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल, कौन बचेगा, r-l, तो यहां बचेगा r-l। अब चलते हैं हम लोग आगे, V बराबर Q/4πε0 इंटू r+l, माइनस से लेके छोड़ दो तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल और होल अपान ए माइनस बी, इसको r माइनस एल और r प्लस एल, r को a मानो l को b मानो, r को a मानो l को b मानो, जो फॉर्मूला वाला क्रिएट होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जो यहां पर आपका आ जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। आगे हम लोग चलते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, V बराबर Q/4πε0 इंटू, अब देखिए प्लस आर और माइनस आर कैंसिल हो गया, अब हमारे पास क्या बचा, यल और यल मिलाकर कितना हो जाएगा, 2l अपान कितना बचेगा, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम एक फार्मूला जानते हैं, पहले ही आपको बताया था पहले अध्याय में कि 2ql इक्वल टू क्या होता है, पी, जहां पर 2ql मिलेगा वहां पे फार्मूला हम लोग क्या रखेंगे, पी क्रिएट कर देंगे। चलो अब जहां पे भाई 2l में q से गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2ql, तो 2ql बराबर क्या होता है, p होता है, तो v बराबर जो हमारा आंसर आया, 2ql का मान क्या रखा जाएगा, p, तो 1/4πε0 into 2ql का मान कितना आ गया, p, तो p upon, अब यहां पे क्या बचेगा, r² - l²। अब हम लोग जानते हैं क्योंकि l less than r, जो यल का मान है वो r की अपेक्षा में बहुत छोटा है, अत्यधिक छोटा है, इसलिए यल स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो माने जब यल स्क्वायर का मान जीरो अर्थात नगण्य हो गया तो यल स्क्वायर यहां से हट जाएगा, यल स्क्वायर कोई भी नहीं रहेगी, तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, v बराबर 1/4πε0 इंटू, ऊपर क्या बचेगा, p, और जो नीचे हमारे पास आया आंसर, यल स्क्वायर का मान नगण्य हो गया तो क्या बचा, r स्क्वायर, r
स्क्वायर, यही आपका आंसर। लेकिन ये तब हम लोग फार्मूला लगाएंगे जब जो माध्यम है वो क्या होना चाहिए, निर्वात या वायु, निर्वात या वायु, निर्वात या वायु माध्यम होने पर हम लोग कौन सा फॉर्म लगाएंगे, वी बराबर 1/4π/r2। अगर माध्यम बदल गया, निर्वात या वायु को छोड़कर माध्यम कोई और हो गया, तो हम लोग इस फार्मूले पर जो फार्मूला क्रिएट करेंगे, लेकिन कब, जब माध्यम जो होगा निर्वात या वायु को छोड़कर कोई और होगा अन्य माध्यम के लिए हम लोग लगाएंगे वी बराबर 1/4π/r0 इंटू पी अपान आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम लोग तब प्रयोग करेंगे जब माध्यम का परावर्तनांक दिया के क्या है हमारा परावर्तनांक, परावर्तनांक जब दिया होगा तब तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। निर्वात या वायु कहा है तब हम लोग कौन से फार्मूला का प्रयोग करेंगे, वी बराबर 1/4π/r इंटू पी अपान आर स्क्वायर। तो ये आज हम आपको इस वीडियो में दुधरू के कारण उसकी अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर बल को ज्ञात करने का फॉर्मूले का डेरिवेशन किए थे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले अगले वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।